मिशन 2019 का चुनावी बिगुल फूंकने कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी किसानों से संवाद करने राजधानी भोपाल आएंगे। ऐसे में राहुल गांधी की सभा को सफल बनाने के लिए राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने मोर्चा संभालते हुए इंदौर में कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर राहुल गांधी की सभा को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई है। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी ने मजबूत विपक्षी निभाई भूमिका, बोले जीतू। पटवारी बोले पीएम मोदी को राहुल गांधी ने किया मजबूर। भोपाल के जम्बूरी मैदान में सिर ही सिर दिखेंगे, बोले पटवारी। राहुल गांधी की सभा को लेकर जीतू ने संभाला मोर्चा। आगामी 8 फरवरी को राजधानी भोपाल में होने जा रही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की किसान महासभा को सफल बनाने के लिहाज से मंत्री जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाल लिया है। मंत्री जीतू पटवारी ने इंदौर स्थित कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं से चर्चा कर किसान महासभा को सफल बनाने का आह्वान किया। इस दौरान पूर्व विधायक अश्विन जोशी, पिंटू जोशी सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मन इकट्ठा करके कड़क रह के कांग्रेस पार्टी की सेवा करते रहो, सब मिलके सब परिवार के लोग फिर हम जीतेंगे। 3 नंबर की सीट हमारी कांग्रेस भर चुकी। इस बार जिस तरीके का प्रशासन ने भी हठधर्मिता की, पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह एकजुटता से लड़ी और उसके साथ साथ जो कर्मचारी पार्टी के कार्यकर्ता बनके काम करने लगे, कई चेहरे, कई फोटो, कई ऐसे लोग दिखते हैं और सही समय पे सही तरीके से उनसे न्याय भी होगा इस बात का। पर आप सबसे अनुरोध है कि हम सबको भोपाल पूरी ताकत से 8 तारीख के दिन सब भाइयों को चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को चलना है। इसी प्रार्थना के साथ सबको जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 8 फरवरी को भोपाल आ रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने सभी मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं मंत्री पटवारी का दावा है कि भोपाल में होने वाली सभा ऐतिहासिक होगी। मैदान पर कोई जगह खाली नजर नहीं आएगी, बल्कि सिर्फ सिर ही सिर नजर आएंगे। इस दौरान मंत्री जीतू ने किसान कर्ज माफी पर सीएम कमलनाथ एवं राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। आदरणीय राहुल गांधी जी ने दो मुद्दों को लेकर पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी को हमेशा इनक्रेज करने की कोशिश की, उनको सहयोगात्मक एक सकारात्मक विपक्ष की भाव से ये मुद्दे उठाते रहे कि इस देश में किसानों का भला जब तक कोई सरकार नहीं करेगी देश खुशहाल नहीं हो सकता है। ऐसे ही चाइना में 24 घंटे में 50,000 रोजगार मिलते हैं और भारत में 500 मिलते हैं। इसके लिए भारत के लिए ये देश का मुद्दा है, न कि पार्टी का मुद्दा है। मोदी जी, इन पे ध्यान दो, आपकी सरकार है। पर उन्होंने एक नहीं सुनी, मजाक उड़ाया, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बातें कही। आज राहुल जी इन मुद्दों को लेकर जो उन्होंने कहा था 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में इससे बड़ी कर्ज माफ़ी की या कर्ज किसानों की सहायता की दूसरी योजना नहीं बनी। इन संदर्भ में आभार को लेकर जमुरी मैदान भोपाल में आ रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता एकत्रित होकर लोगों को, हमारे परिवार के परिवारजनों को आह्वान करते हुए, प्रार्थना करते हुए वहाँ जाने की अपील कर रहे हैं और उसी के संदर्भ में मीटिंगें चल रही। कोई टारगेट नहीं दिया, प्रार्थना की है। वहाँ इतने लोग होंगे कि आपको जगह नहीं दिखेंगे, सर ही सर दिखेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का मिशन MP लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी बहुत अहम माना जा रहा है। ऐसे में भोपाल में किसान महासभा को मेगा इवेंट बनाकर पूरे देश में बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा किसान नेता के तौर पर पहचान बनाने वाले मंत्री जीतू पटवारी पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।